तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीटा खातर आज वेरियो है मतदान। सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति कांग्रेस और भाजपा के बीच है त्रिकोणीय मुकाबलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेवा खातर दुबई की दो दिन की यात्रा माथे आज वेला रवाना। जलवायु परिवर्तन री साझा चुनौतियां सु निपटवा की रणनीति माथे वेली चर्चा। जयपुर झालाना में एक युवक घर में घुसर महिला समेत दो टाबर री करी हत्या। पुलिस आरोपी री तलाश में जुटी। एसीबी कोटा में आय सुबत्ती संपत्ति रा मामला में यूआईटी रा एक्सईएन तीन ठिकाणा माथे करी सर्च री कार्रवाई। सर्च में कई ठोड़ा माथे करोड़ों रूपया भूखंड सोना चांदी और नकदी भी बरामद। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रे पाछे सर्द हवा चालवासु ठंडरो बढ़ो असर। कई ठोड़ा माथे छायो कोहरो। जयपुर यातायात पुलिस वाहन चालक खातर एडवाइजरी करी जारी। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में सगलारू घणो घणो स्वागत। मैं हूं प्रीति और अब खबर जोवा विगतवार। तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीटा खातर आज मतदान वेरियो है। 2014 में तेलंगाना राज्य रा गठन रे पछे अठे तीसरी बार चुनाव वेरिया है। मतदान खातर कुल 35,655 मतदान केंद्र बनाया गया है। इन माथे 3,26,00,000 सुपत्ता मतदाता आपरा मताधिकार रो प्रयोग करेला। अठे सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी रे बीच त्रिकोणीय मुकाबलो है। शुरुआत करते तेलंगाना की खबर के साथ, जहां 119 सदस्यों वाली विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सवेरे 7 बजे से शुरू हुआ जो शाम 5 बजे तक चलेगा। वहीं वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 13 निर्वाचन क्षेत्रों में शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इस चुनाव में 2,290 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। वहीं राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राज्य की विशेष पुलिस की 50 कंपनियां और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 375 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों के 23,000 से ज्यादा होमगार्ड और 45,000 पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है। केंद्रीय बलों की तैनाती विशेष रूप से 12,000 से ज्यादा संवेदनशील मतदान केंद्रों पर की गई। मॉडल मतदान केंद्रों के अलावा चुनाव अधिकारियों ने विशेष रूप से हैदराबाद जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के संकल्प के साथ पूरी तरह से महिला संचालित और पूरी तरह से दिव्यांग संचालित मतदान केंद्र भी स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेवा खातर दुबई की दो दिन की यात्रा माथे आज रवाना वेला। COP28 में जलवायु परिवर्तन री साझा चुनौतियां सु निपटवा की रणनीति और सामूहिक प्रयास माथे चर्चा वेली। प्रदेश में 25 नवंबर ने विया विधानसभा चुनाव खातर विया मतदान रे पाछे अब 3 दिसंबर ने मतगणना करी जावेली। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बताया कि भारत निर्वाचन आयोग कानीसू मतगणना दला खातर ऑनलाइन प्रशिक्षण दियो गयो है। वणा बताया कि 3 दिसंबर ने सुवारे 8 बजे सगला केन्द्रा माथे पोस्टल बैलेट और 8:30 बजे ईवीएम री गणना शुरू वे जावेली। गुप्ता बताया कि जयपुर, जोधपुर और नागौर माए दो दो केन्द्रा माथे और शेष 30 निर्वाचन जिला एक एक केंद्र माथे वोटर की गिनती करी जावेली। चीन में फैल रही श्वास संबंधी बीमारी ने लेर केंद्र सरकारी एडवाइजरी रे मुजब राज्य रा सफाखाना में बंदोबस्त ने लेर काल मॉक ड्रिल करी गई। इंद्र तहत जोधपुर और जयपुर समेत दूजा जिला रा सरकारी सफाखाना में चिकित्सा व्यवस्था वारो निरीक्षण करियो गयो। जयपुर री सवाई मानसिंह अस्पताल में भी मॉक ड्रिल रे दौरान चिकित्सा व्यवस्था ने परखियो गयो। अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयां और दूजा संसाधना री उपलब्धता रो मुआयनो करया। पेशेंट आएंगे उनको हमने अलग अगर भर्ती करने की व्यवस्था है, हमारे पास बेड्स हैं तो वहाँ पे अगर ऑक्सीजन की सप्लाई है, दवाइयाँ अगर पूरी हैं, इस तरह से वो पेशेंट्स आते हैं, स्टाफ वहाँ है, अवेलेबल मैन पावर के लिए जो बात हम करते हैं डॉक्टर्स का, तो वो सब चीज़ों की हमने आज यहाँ
देखने आए हैं। साथ ही साथ हम इसमें आगे जाकर ये भी देखेंगे, हमारे पास अगर जांच केंद्र है तो वहाँ पे मैन पावर पूरी है और उनके पास सारे किट संसाधन उपलब्ध है कि नहीं है। DDC काउंटर में हमारे पास इस सारी प्रकार की दवाइयाँ जिसमें खासतौर पर एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी एलर्जिक दवाइयाँ हैं, पैरास्टमॉल वगैरह, वो अवेलेबल है या नहीं है तो ये भी हमें देखना है। और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट है हमारे पास उनकी उसमें क्या कैपेसिटी से अभी ऑक्सीजन जनरेट हो रही है, कितने अभी रोज की रिक्वायरमेंट है, और अगर किसी भी कारण से ये बढ़ती है रिक्वायरमेंट तो उसके लिए क्या हमारी तैयारी पूरी है। तो हम इसी उद्देश्य से ये आज मॉक ड्रिल कर रहे हैं। गवर्नमेंट की एडवाइजरी भी यही है कि हम ये करके अपने देखें और अगर कोई भी कमी हो तो उसको समय रहते हम पहले पूरी। झालावाड़ रा झालरापाटन माए फूड पॉइजनिंग सू 50 टाबरा री तबियत खराब वीगी। इन माए सू एक 7 बरस री बालिका री मौत वीगी। सगला बीमार टाबरा ने सफाखाना माए भर्ती करायो गयो है। बतायो जा रियो है कि बीमार टाबरा माए सू पत्ता टाबर माए चाल रिया चंद्रभागा कार्तिक मेला माए परिजना रे साथे गया हुआ हा, जथे दूषित खाद्य और पेय पदार्थ रू सेवन करबा सू वणा ने उल्टी दस्त वी गया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करने गए थे बच्चे, हाँ बाकी फैमिली मेंबर भी थे। उन्होंने कहा स्नान करने के बाद में उन्होंने कहा बालाजी की प्रसादी है, प्रसादी तो ग्रहण कर लें, जब यहाँ आए हैं इतने इतने साल में एक बार आता है एक बार, सब प्रसादी ग्रहण करने के बाद में आगे तो उनमें ऐसी कोई बात भी नहीं हुई। लेकिन कल अचानक शाम पड़े बाद शाम होने के बाद में उल्टी का आना और फिर उधर से दस्त ऐसी लग रही थी, यानी घबराहट है, ये नसों का खिंचाव आना और ये समस्या है। फिर उसके बाद हॉस्पिटल लेकर आए। जयपुर रा मालवी नगर इलाका रा झालाना माए थापेत खटीकारा मोहल्ला माए काल संज्या एक युवक घर माए घुसर एक महिला समेत दो टाबरा रू गलो रेतर हत्या कर दी। इनरे पाछे आरोपी फायरिंग करता थका मौका सू फरार वे गयो। घटना री सूचना मिलता ही मौका माथे DCP ईस्ट ज्ञान चंद यादव सहित पुलिस अधिकारी पुग्या। पुलिस आरोपी री पहचान कर ली है, बेगो ही वारदात रू खुलासो कर दियो जावेलो। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रिट्रीम कोटा माए काल आय सुपत्ति संपत्ति रा मामला माए UIT रा XEN कमल मीणा रा 3 ठिकाना माथे सर्चरी कार्रवाई करेगी। कमल मीणा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड माए सहायक अभियंता है और प्रतिनियुक्ति माथे UIT XEN रू काम संभाल रिया है। सर्च रे दौरान मीणा और उनरा परिजना रे नाम सु कई ठोड़ा माथे करोड़ों रूपया रा 29 आवासीय और कृषि भूखंड रा दस्तावेज मिलिया है। वही आरोपी रे घरा बैंक लॉकरा सो भी करीब 37 तोलो सोना रा आभूषण 1.5 किलो चांदी और नकदी बरामद भी है। जयपुर रा MGD विद्यालय माए 2 दिनारी 80वीं एथलेटिक मीट रो आज सु आयोजन करियो जा रियो है। एथलेटिक मीट रो उद्घाटन एडिशनल DGP सुनील दत्त करया। इन दौरान विद्यार्थी वणा मार्च पास्ट री सलामी देनी। कार्यक्रम माए सुनील दत्त कया कि प्रतियोगिता माए जीतबा वाला ही विजेता नहीं है बल्कि इन माए भाग लेबा वालो हर खिलाड़ी विजेता हुए है। उद्घाटन जलसा माए छात्र कई एथलेटिक गतिविधियां रो प्रदर्शन करया। 1 दिसंबर ताई चालबा वाली इन मीट माए स्कूली छात्र 40 खेला माए भाग ले वेला। Whenever I thought of Jaipur before I came to Rajasthan, the foremost thing that anybody talks about is not only Jaipur as such historical place, tourist place, but MGD school too. और आज अगर हम दिस इज द 80th एनुअल एथलेटिक मीट दैट वी आर सेलिब्रेटिंग और वी आर इनॉग्रेटिंग। डीडवाणा जिला रा कोलिया गांव माए नहरी परियोजना रा पंप हाउस माथे देर रात बदमाश पंप ऑपरेटर सु मारपीट कर 2 ट्रांसफार्मर चोरी कर ले गया। आरोपी पंप हाउस री कंट्रोल यूनिट माए भी तोड़फोड़ करी। इन कारण कई गांव माए पानी री सप्लाई नहीं वे सकी। घटना री सूचना माथे मौका माथे पुगी पुलिस, आरोपिया री तलाश शुरू कर देनी है। नहरी परियोजना रा अधिशाषी अभियंता मनीष वैष्णव बताया कि कंट्रोल यूनिट ने ठीक कर इन परियोजना सु जुड़िया गांव
पानी री सप्लाई करबा माय 2 दिन लागेला। रात को लगभग 12 बजे से 3 बजे के बीच करीब 2-3 गाड़ियों में लोग आए थे। हमारे 3 ऑपरेटर थे वहां पे, तीनों को बंधक बनाया और उनके साथ मारपीट करी। हमारे 2 डीपी थी जो ट्रांसफार्मर थे 160 केवी के, उन दोनों को काफी नुकसान पहुंचाया, उनकी चोरी हो गई है। स्काडा रूम हमारा जो इसके चलाने के लिए स्काडा रूम है उसकी भी तोड़फोड़ करी है। इस पूरे सिस्टम की तोड़फोड़ करने से हमारा पूरा पेयजल सप्लाई जो कि 23-24 गाँव की हमारी उधर की है, 8 टंकियां उससे प्रभावित होगी। लगभग हमें इसको रिस्टोर करने में भी 7 से 8 दिन लग जाएंगे। काफी बड़ा नुकसान हुआ है यहाँ पे, करीब 10 से 15 लाख रुपए की नुकसान इस विभाग में इस टाइम हुआ है। हमारे द्वारा पुलिस को सूचना दे दी गई है, पुलिस में FIR भी करवा दी गई है और पुलिस द्वारा मुकदमा भी कर लिया गया है और प्रशासन को भी हमने सूचित कर दिया है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सप्लाई को रिस्टोर किया जा सके। और अब खबर मौसम री। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रो असर खत्म होबा रे पाछे अब सर्द हवा चालबासू सर्दी जोर पकड़ लियो है। इंद्र चालता घनी ठोड़ा माथे रात रो पारो 15 डिग्री सेल्सियस भी कम दर्ज करियो जा रियो है। बढ़े के जिला में सुवारे घणो कोहरो छायो रियो। राजधानी जयपुर और RSRA रा खेतरा में घणो कोहरो छायो रहबासू वाहन चालका ने घनी परेशानी रो सामनो करनो पड़ियो। दौसासू महाका संवाददाता बताया कि जिला में सुवारे सु ही घणो कोहरो छायो हुयो है। दृश्यता कम हो पारे कारण वाहन चालका ने दिन माय भी लाइट जलार गाड़ी चलानी पड़ रही है। दूजी कानी मौसम महक बारे मुजब आबाड़ा दिना माय तापमान माय 204 डिग्री सेल्सियस गिरावट हो पारी आस है। सर्दी रो मौसम शुरू हो गयो है एंड शुरू होता ही कोहरो पड़बा लाग गयो है। एड़ा में जयपुर यातायात पुलिस वाहन चालका खातर एडवाइजरी जारी करी है। इन बाबत DCP लक्ष्मण दास वाहन चालका सु अपील करी है कि वणा सावधानी और नियमा रो पालन करता थका वाहन चलावे। वणा कोहरा रे दौरान गाड़ी चलाती टीम दिन माय भी पार्किंग या फोग लाइट जलाबा ने कहो है। और चालबाऊ पहली एक बार फिर सुजुवा मोटी खबरां। तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीटा खातर आज वेरियो है मतदान। सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति कांग्रेस और भाजपा रे बीच है त्रिकोणीय मुकाबलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेबा खातर दुबई री 2 दिनारी यात्रा माथे आज वेला रवाना। जलवायु परिवर्तन री साझा चुनौतियां सु निपटबा री रणनीति माथे वेली चर्चा। जयपुर रा झालाना में एक युवक घर में घुसर महिला समेत 2 टाबरारी करी हत्या। पुलिस आरोपी री तलाश में जुटी। ACB कोटा में आयसु 32 संपत्ति रा मामला में UIT रा XEN रा 3 ठिकाना माथे करी सर्च री कार्रवाई। सर्च में कई ठोड़ा माथे करोड़ों रुपया भूखंड सोना चांदी और नकदी भी बरामद। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रे पाछे सर्द हवा चालबासु ठंड रो बढ़ियो असर। कई ठोड़ा माथे छायो कोहरो। जयपुर यातायात पुलिस वाहन चालका खातर एडवाइजरी करी जारी।